आज की सभा के सभी आयोजकों को, खासतौर से बड़े भाई अरुण दहिया जी को, मेरी बहुत सालों से बहुत प्यारी दोस्त प्रेरणा सिंह जो यहाँ से पार्षद भी हैं, और तरुण कुमार जी जो कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं और जिनके साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता, बहुत पुराना नाता रहा, छात्र राजनीति में हमारे सीनियर, और ये सिखाने वाले कि अगर आप जमीनी मुद्दों से जुड़े रहेंगे तो आपको हार का मुख नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे तरुण कुमार जी, इनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये भी कहना चाहती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष का पद इन्होंने बखूबी संभाला, नेतृत्व बहुत अच्छे से निभाया, NSUI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में बहुत चमके, और उसके बाद जैसा कि सचिन पायलट जी ने भी यहाँ पर कहा कि राजस्थान की जीत के जो बड़े नायक रहे हैं उनमें से एक तरुण कुमार जी भी हैं। इस बात के लिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत आभारी हूँ मैं तरुण कुमार जी, आपने मुझे यहाँ पर आकर बोलने का मौका दिया, और वैसे तो बहुत मुश्किल है कि इस देश की सियासत के चमचमाते तारे सचिन पायलट जी जब कोई बात कह लें उसके बाद बोलना मुझे लगता है कि सूरज को दीपक दिखाने के समान है, फिर भी मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं कि जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं कि सारे इंसान एक है ये ऐलान गलत। हम कहते हैं कि भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, वो कहते हैं कि खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं कि इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं कि हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। हम कहते हैं कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं कि भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। तो साथियों, ये चुनाव जो है वो मुख्य रूप से दो विचारधाराओं के टकराव का चुनाव है। एक कांग्रेस की विचारधारा है जो भाईचारे की बात करती है, समावेशी राजनीति की बात करती है, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात करती है, और दूसरी तरफ एक विचारधारा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी की राजनीति करती है, जो बड़े बड़े सपने दिखाने की राजनीति करती है लेकिन जमीन पर काम नहीं करती, जो भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति करती है, जो हर चुनाव आते ही पाकिस्तान को याद करती है, जो बिना हिंदू मुसलमान की एक चुनाव नहीं लड़ सकती, ये वो विचारधारा है साथियों। और मैं कहना चाहती हूं कि जब जब जंग छिड़ी है इन दोनों विचारधाराओं में, जब जब जंग छिड़ी है सांप्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता में, भारतीय एकता में और बंटवारे में, नफरत में और मोहब्बत में, गांधी और गोडसे में, तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे देश का हर नागरिक, ये पूरी आवाम, बुजुर्ग और नौजवान, मजदूर और किसान, हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हुए हैं, कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाके, और उन्होंने कहा है कि हमें इस देश की कौमी एकता पर गर्व है, हमें गर्व है इस बात का कि दिल्ली प्रतीक है इस देश की गंगा जमनी तहजीब की, हमें गर्व है इस बात का कि हम एक हाथ में संविधान लेकर चलते हैं और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर चलते हैं, वो तिरंगा जिसमें तीन रंग है साथियों, ये तीन रंग, इसमें भगवा भी है, इसमें हरा भी है, और इसमें सफेद रंग है जो अमन चैन और सुकून का रंग है। हमारे लिए, हमें चाहिए है तिरंगे वाली दिल्ली, हमें तमंचे वाली दिल्ली नहीं चाहिए, हमें विकास वाली दिल्ली चाहिए, हमें विनाश वाली दिल्ली नहीं चाहिए, हमें गांधी वाली दिल्ली चाहिए, हमें गोडसे वाली दिल्ली नहीं चाहिए, इसीलिए हमें कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी या भाजपा वाली दिल्ली बिल्कुल नहीं चाहिए। साथियों, ये कहा जाता है कि चमन में इख्तलात रंगे बू से बात बनती है, चमन में इख्तलात रंगे बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। पर ये वो लोग थोड़ी ना मानेंगे, वो थोड़ी मानेंगे जो अंग्रेजी सरकार के मुखबर रहे हैं। वो एक अंग्रेजी हुकूमत थी जिसने इस देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की, क्या था, तोड़ो और राज करो, और उन्हीं अंग्रेजों के मुखबर उनके जो पांव पर नाक रगड़ने वाले लोग थे संघी, उन्हीं ने ये भाजपा बनाई और वही मोदी सरकार है जो आज सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग है, क्योंकि वही इस देश के भाई भाई को लड़ाने का काम करते हैं, इस देश में बंटवारा करने का काम करते हैं, तो ये लोग हैं जो सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। और मैं इस टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछना चाहती हूँ कि जब भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई थी तो इस देश की धरती को
किसने खून से सींचा था। वो हिंदू भी था, वो मुसलमान भी था, वो सिख भी था, वो ईसाई भी था साथियों। और नाना पाटेकर की वो फिल्म आपने देखी होगी, वो कहते हैं कि जो खून मिल गया है, क्या बता सकते हो हिंदू का खून कौन सा है और मुसलमान का खून कौन सा है? क्या अलग कर सकते हो इस देश के लिए जिन कौमों ने खून बहाया है उनको? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है साथियों। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सोच समझ के वोट करना है। मोदी जी कह रहे हैं देश बदला है, अब दिल्ली बदल दो। देश कैसे बदला है मैं जानना चाहती हूँ। आज महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं के साथ हो रहा बलात्कार है, ठप पड़ा कारोबार है, तो ऐसा देश बदला है जिसने, वो वोट कैसे मांगेगा? वो इसी तर्ज पर वोट मांगेगा कि बंटवारा हो जाए, वो इसी तर्ज पर वोट मांगेगा कि धर्म को बीच में लाया जाए। और कल राहुल गांधी जी ने एक बड़ी सभा की, उसमें बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये सिखाता हो कि आपस में बैर करना है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, ये कांग्रेस पार्टी का संदेश है साथियों। अब मैं थोड़ा सा केजरीवाल जी पर भी बोलना चाहती हूँ। दिल्ली में 7 सांसद भाजपा के थे, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, केजरीवाल जी ने क्या किया? ये वो शख्स है जिनकी पार्टी का जन्म ही आंदोलन पर हुआ, और आज जब शाहीन बाग में, आज जब खुरेजी में, आज जब निजामुद्दीन में और इंदरलोक में बैठे हुए हैं लोग आंदोलन करने के लिए, विरोध करने के लिए, तो केजरीवाल जी का कोई नुमाइंदा उनके पास नहीं जाता है, उनकी आवाज उठाने के लिए उनके साथ खड़ा नहीं होता है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि केजरीवाल क्यों लिखते हैं ट्वीट में, क्यों कहते हैं ये बात कि शाहीन बाग को खाली करा दो। एक भारतीय जनता पार्टी है जो मासूम नौजवानों को उकसाती है, और एक आम आदमी पार्टी है जो उन्हीं नौजवानों के हाथ में तमंचे पकड़ाती है कि शाहीन बाग में और जामिया में बैठे हुए निहत्ते लोग जो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं उनके ऊपर गोली चलाई जाए। ये केजरीवाल की वैकल्पिक राजनीति है, मैं समझती हूँ ये बहुत शर्मनाक है। और जल्दी से मैं कुछ और बातें कह दूं, मैं जानना चाहती हूँ, वो कहते हैं काम किया है तो वोट दो। मुझे बताइए आप कितने लोगों के घरों में या घरों के बाहर गलियों में सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बताइए कितने लोगों के घर के बाहर? किसी के बाहर नहीं लगा। उन्होंने कहा 500 नए स्कूल खोलेंगे, कितने नए स्कूल आपकी लोकैलिटी में खुले हैं मुझे बताइए? 500 नए स्कूल खोलने का वादा करके वो 2000 कमरे बनाने पर आ गए। तो कांग्रेस ने जो इमारतें खड़ी की उनमें रंग रोगन कर दिया और कह रहे हैं कि हमें वोट दे। आज दिल्ली गैस चेंबर बनी है, इतना प्रदूषण है। शीला जी की सरकार जब थी तो 2011 में दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड थी, आज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हो गई है। केजरीवाल जी जो हमने पेड़ लगाए उसमें पानी भी नहीं डाल पाए। और मुझे बताएं केजरीवाल जी कि कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बेहतर है दिल्ली में, और जैसे ही खांसी आती है तो बैंगलोर चले जाते हैं। दिल्ली में इलाज क्यों नहीं कराते अगर आपने इतनी अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाई है? वहां सिसोदिया जी कहते हैं शिक्षा इतनी अच्छी कर दी कि जो सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल जितने अच्छे हो गए। तो भैया अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, खुद तो दिल्ली के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। महिला सुरक्षा की बात होती है, मोदी जी कहते हैं बहुत हुआ नारी परिवार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जो इस देश की बेटियां बैठी है खुरेजी में, जो शाहीन बाग में बैठी है, ये जो आदमी हर इतवार को मन की बात कहता है, वो जाकर इस देश की बेटियों के मन की बात सुनना नहीं चाहता, जाकर एक बार पूछना नहीं चाहता कि तुम्हारा क्या दर्द है। इसी से पता चलता है कि सारे नारे सारे दावे खोखले हैं। और केजरीवाल जी का सुनिए, उन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षा इतनी पुख्ता हो जाएगी कि कोई महिला दिल्ली में असुरक्षित महसूस नहीं करेगी। हम मार्शल लगा देंगे, पुलिस फोर्स लगा देंगे। क्या किसी बस में आज तक आपने कोई मार्शल देखा है महिला की सुरक्षा के लिए? उन्होंने कहा था कि हर फोन में एक सुरक्षा का बटन देंगे, तो उस बटन को दबाते ही जो महिला को जरूरत होगी वो उसको मिल जाएगी। कोई बटन मिला है आपको सुरक्षा बटन किसी को मोबाइल में? किसी को नहीं मिला। जो निर्भया का फंड था उसको वो केवल 5% खर्च कर पाए। 5 साल में अपने कैबिनेट में एक महिला को केजरीवाल ने नहीं रखा। ये तो महिला सुरक्षा के बारे में इनकी कवायद है। तो साथियों आप ये मान लीजिए कि बिजली और पानी का सुहाना सपना जो आपको दिखाया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन भी सिर्फ मार्च तक है। मार्च के बाद फिर बिजली का बिल महंगा करने की इनकी शुरुआत है। तो ये सुहाने सपने आपको दिखाएंगे और ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के पाले में जिम्मेदारी की गेंद फेंकती रहेंगी।
तो आपको याद होगा 556 करोड़ रुपया इश्तहार में खर्च किया, लेकिन जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे, इतना बड़ा बड़ा कूड़े का ढेर यहाँ लगा रहता था, ना एमसीडी ने पैसा दिया जिसमें भाजपा है, ना दिल्ली सरकार ने एक रुपया दिया, राहुल गांधी थे जो सफाई कर्मचारियों के बीच में बैठे और उनकी आवाज को उन्होंने बुलंद किया। और याद कीजिए, जब बसंत कुंज में झुग्गियां टूट रही थी तो आधी रात को कोई 7 सांसद जो भाजपा के हैं नहीं आए थे, 67 विधायक जो आम आदमी पार्टी के नहीं आए थे, राहुल गांधी आधी रात को पहुंचे थे बसंत कुंज और वहां पर उन गरीब आदमियों की झुग्गियों को तोड़ने से उन्होंने रुकवाया था। तो बार बार कांग्रेस पार्टी, आप देखिए दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 0 दिया, उसके बावजूद हम खड़े रहे आपके साथ 24 घंटे, सिर्फ ये कहते हुए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक बार आपने विश्वास नहीं दिया तो भी हम आपके विश्वास को जीत कर दिखाएंगे। और इसीलिए हम बहुत अच्छा मैनिफेस्टो भी लाए हैं। हम कह रहे हैं कि जो बेरोजगार नौजवान है उसको हम 5,000 रुपए का भत्ता देंगे अगर वो ग्रेजुएट है। हम कह रहे हैं 7,500 रुपया देंगे अगर पोस्ट ग्रेजुएट है। हम कह रहे हैं कि कोई भूखे पेट न सो जाए, इसीलिए इंदिरा कैंटीन खोलेंगे पूरी दिल्ली में, जहां 15 रुपए में भरपेट खाना मिल पाएगा। हम कह रहे हैं कि जो नौजवान नया काम शुरू करना चाहते हैं उनको स्टार्टअप खोलने के लिए हम हर साल 1,000 करोड़ का निवेश करेंगे। हम कह रहे हैं कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 25% दिल्ली का बजट उसमें लगाएंगे। तो आप दिल्ली के किसी भी फ्लाईओवर पे खड़े हो जाइए और चारों तरफ नजर दौड़ाइए, जो सड़कों का जाल बिछा है, जो मेट्रो का जाल बिछा है, जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, वो कांग्रेस वाली दिल्ली है, वो शीला जी द्वारा बनाई गई दिल्ली है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमने दिल्ली बनाई थी, हम दिल्ली बनाएंगे, हमने दिल्ली सवारी थी और हम आगे भी दिल्ली को सवारने जा रहे हैं। तो आप 8 तारीख को आकर कांग्रेस के आगे बटन दबाइए, हाथ के पंजे के निशान के आगे बटन दबाइए और सतबीर शर्मा जी को जिताइए। देखिए, सतबीर शर्मा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और वो इसलिए कम है क्योंकि कोई व्यक्ति एक चुनाव तो जीत सकता है पर 3 चुनाव जो स्वयं जीते और 4th चुनाव भी अगर परिवार से ही कोई जीता है, तो मैं ये मानती हूँ कि उस आदमी ने आपके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, आपके सुख दुख के साथी के रूप में काम किया है और वो प्रतिबद्ध है कि वो जनता की सेवा करेगा। तो केजरीवाल या मोदी आपका विधायक नहीं बनने वाला है, वो नहीं आएंगे विधायक बनने के लिए। जो उनके प्रत्याशी हैं वो सतबीर शर्मा जी के आगे किसी भी रेस में अगर दौड़े तो आखिरी नंबर पर ही आने वाले हैं। तो ये जो वोटों की रेस है इसमें आप जिताइए, 8 तारीख को सतबीर शर्मा जी को वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। और मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ खत्म करना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, इस दौर इस सियासत का अंधेरा मिटाइए, वापस लाइए पहले रोने वालों की हंसी को, फिर जाके कहीं जश्न आजादी मनाइए। चारों तरफ है आग लगी यहाँ वहां, पानी से नहीं प्यार से इसको बुझाइए, क्यों कर रहे हैं आंधियां रुकने का इंतजार, आइए हमारे कंधे से कंधा मिलाइए और बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए साथियों, ताकत लगाइए। और एक बार जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तरुण कुमार, प्रेरणा सिंह, अरुण भैया, सतीश शर्मा, कांग्रेस पार्टी। अरे जात पे न पात पे, रागिनी नायक, रागिनी नायक। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग देर से आए, आप बहुत कष्ट हुआ फिर भी आप यहाँ रुके रहे, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही ओजस्वी शब्दों से रागिनी जी ने आज यहाँ की कांग्रेस पे एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।